संजय भैया, रेखा भाभी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। दिस इज द साड़ी जो उन लोगों ने मुझे दी है। बहुत ही खूबसूरत है ये साड़ी और इस पे हमारी पिक्चर प्रिंट करवाई है, विच इज ब्यूटीफुल। आई एम सो इम्प्रेस्ड, है ना यश? एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ माई हस्बैंड जो अभी इतने फीवर में है, मतलब मैं बता नहीं सकती यश, सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना सुपर हिट शो डिलीवर किया है ऐसी हालत के बाद, मतलब कोई नहीं कर सकता। आई एम जस्ट ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल, मतलब मेरे ना रोम रोम से ऐसे थैंक यू निकल रहा है यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, या जो कोई भी है ऊपर सुप्रीम पावर, कि इतने सारे लोगों की जो इज्जत और मान सम्मान दाव पे लगा था वो बचा का बचा रह गया, और हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे वो सक्सेसफुली डिलीवर करने में हम सफल रहे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल। तुमने 100% से ज़्यादा, मतलब 1000% दिया। बीच बीच में मैं देख रही थी तुमको, तुम्हारी हालत ख़राब हो रही थी, बट हैट्स ऑफ, लव यू, लव यू टू। सो यार अभी रूम पूरा मेस्ड अप है यहाँ पे, और हम लोग आए थे तो उन्होंने बुकेज भी दिए थे, बहुत ही अच्छे से वेलकम किया था। उन लोगों ने ढोल वगैरह प्लान कर रखे थे, वो तो हम लोग दूसरे गेट से आ गए तो उन्होंने बोला हम लोग बोले आपका वेलकम कहीं ना कहीं कमी रह गई हमसे, पर आपका विदाई हम बड़ी ग्रैंड करेंगे, आपको साफा पहना के भेजेंगे राजस्थानी। हाउ स्वीट इज दैट। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? आई एम जस्ट टू इमोशनल राइट नाउ। व्हाई? इतना सारा सेल्फलेस प्यार मिलता है ना तो समझ में नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करो, प्रोसेस कैसे करोगे। बट बताओ सबको हुआ क्या अभी? सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। हम लोग इतने सारे शोज करते हैं, जगह जगह जाते हैं और अलग अलग फैमिलीज से मिलते हैं, उनके लिए परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पे प्यार नहीं मिलता है या वहाँ इज्जत नहीं मिलती, बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ कि जो मैं अभी फील कर रहा हूँ ना, आई एम चोक्ड राइट नाउ। इतना ज्यादा इमोशनल कर देती है चीजें आपको, आपको समझ में नहीं आता कि इतना प्यार कोई कैसे लुटा सकता है किसी में। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है आज भी हमारे साथ, इतना सारा प्यार मिला हमें आज के शो में। और हमारी जो एनिवर्सरी जो 30 अप्रैल को गई है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली केक अरेंज किया, स्टेज पे सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने केक काटा, जो एक्चुअली संजय भैया और रेखा भाभी जिनकी 25वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनके साथ हमने केक काटा। उसके बाद इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद मिला। फिर उन्होंने, अशोक भैया ने अपनी खुद की फैक्ट्री में हमारी फोटो के साथ साड़ी जो है प्रिंट की, जो हमने ऑफ कोर्स दिखाया भी है व्लॉग में, तो वो इतना स्वीट जेस्चर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में थैंक यू बोलूं, कैसे इस पूरे इमोशन को प्रोसेस करूं, कैसे एक्चुअली एक्सेप्ट करूं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना सेल्फलेसली किसी पे प्यार नौछावर कर सकते हैं। एंड अभी जस्ट मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आपने मेरा सर ऊंचा किया है हमारे परिवार में परफॉर्म करके, और बच्चा बूढ़ा हर कोई बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके गया है, तो थैंक यू सो मच। अब एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इतना प्यार हमें दे चुका है वो सामने से थैंक यू बोल रहा है, तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि वो एक्चुअली कितने बड़े दिल वाले इंसान हैं। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए बट आई थिंक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इतना कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच अशोक भैया, नितिन भैया, संजय भैया एंड पूरी फैमिली, इतने सारे प्यार के लिए, इतना सारा प्यार हमें देने के लिए, हमें इतना आशीर्वाद देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बोल रहा हूँ। और आई थिंक
इस सब के पीछे जिस इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाया ना, अंकित, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बिकॉज यू आर द वन हु मेड इट हैपन. बिकॉज ऑफ यू वी कुड मीट दिस वंडरफुल पीपल, एंड अंकित की वजह से हम लोग इन सब बेहतरीन ब्यूटिफुल लोगों से मिल पाए. सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो मेरे भाई. एंड बोलते हैं ना, ऊपर वाला है एंड देयर इज समवन वॉचिंग यू. तो आज वापस से वो फीलिंग आई क्योंकि इतने ब्यूटिफुल लोगों से मिलना हुआ. सो आई एम जस्ट ट्रूली ट्रूली ओवरवेलम्ड एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल. How are you feeling now? Better. क्या खाया? आलू पराठा. यश ने खाया आलू पराठा, मैं खा रही हूँ बर्गर. और यश पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहा है ना? गुड. और हम लोग यहाँ फूड कोर्ट में रुके हैं और अब हम निकलेंगे मुंबई के लिए, है ना? अच्छा, बाय कर दो.